हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। चंपई सोरेन ने ली झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्य के 12वें सीएम बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के दरबार हॉल में सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। बता दें कि चंपई सोरेन को अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। 67 साल के आदिवासी नेता चंपई सोरेन राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के पास अभी 47 विधायक हैं। इसमें झामुमो के 29, कांग्रेस के 17 और आरजेडी के 1 सदस्य शामिल हैं। बीजेपी के 26 हैं और आजसू पार्टी के 3 विधायक हैं। इसके अलावा 2 सदस्य निर्दलीय हैं और एनसीपी व भाकपा माले के 1-1 विधायक भी हैं। प्रवेश परीक्षा में कदाचार से निपटने के लिए सरकार ने उठाया कदम, बजट सत्र में विधेयक लाने की तैयारी। प्रवेश परीक्षा में नकल रोकने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रवेश परीक्षा से संबंधित कदाचार को रोकने के लिए विधेयक लाने की तैयारी है। केंद्र सरकार इस बजट सत्र में ही इससे जुड़े हुए विधेयक लाने जा रही है। केंद्र ने ऐसे व्यक्तियों, समूहों या फिर संस्थानों को प्रभावी ढंग से यहाँ पर रोकने के लिए संसद के बजट सत्र में एक विधेयक लाने की योजना बनाई है जो परीक्षा में नकल को बढ़ावा देते हैं। सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक में कदाचार के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। देश भर में पेपर लीक समेत कदाचार के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिस वजह से कई सारी परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है और इस वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही उन्हें नुकसान भी इसका उठाना पड़ता है। केजरीवाल ईडी के 5वें समन पर भी नहीं हुए पेश, आम आदमी पार्टी ने जताई गिरफ्तारी की आशंका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने जांच एजेंसी के 5वें समन को भी नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के समन को गैर कानूनी करार देते हुए केजरीवाल को बार बार समन जारी करना उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास है और वह ऐसा नहीं होने देगी। केजरीवाल इससे पहले ईडी के 4थे समन पर भी पेश नहीं हुए थे। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार आम आदमी पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी के 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे और ये समन गैर कानूनी है और अवैध है। पार्टी ने कहा कि वह वैध समन का पालन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है और पार्टी कार्यकर्ता ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ज्ञानवापी विवाद को लेकर मस्जिद पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार। ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्यास तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मस्जिद समिति ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर करके पूजा पाठ पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। कोर्ट ने अब तक मस्जिद समिति से अपील में संशोधन करने को कहा है। बता दें कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि आपने जिला अधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने वाले 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है, सीधे 31 जनवरी वाले आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है, जबकि ये परिणामी आदेश है। जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि आपने इसे पूरक हलफनामे के जरिए सामने रखा है। बता दें कि कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा है कि वहां मौजूद स्थिति क्या है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि कानून व्यवस्था बनी हुई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जगह को संरक्षित करने को कहा। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि संपत्ति को कोई नुकसान या वहां पर नया निर्माण नहीं होना चाहिए। बता दें कि पूजा शुरू होने के बाद ही परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।
हरियाणा में बेटियों की उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, शिक्षा ऋण योजना लागू। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है, इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण योजना लागू की गई है, ताकि महिलाएं एवं लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008 से 2009 से अब तक 10,930 महिलाओं या लड़कियों को 2,633.82 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है। कमलेश डांडा ने कहा कि आमतौर पर सीमित साधनों, अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण वह उच्च शिक्षा जैसे व्यावसायिक या तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधित इत्यादि प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण के भार को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर 5% दर ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर बैंक 9.50% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है तो निगम द्वारा 5% ब्याज दर के रूप में सब्सिडी दी जाएगी तथा लाभार्थी को केवल 4.5% ब्याज के रूप में वहन करना पड़ेगा। हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी लड़की या महिला एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की लड़कियां या महिलाएं जो देश और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। टीम इंडिया के सामने बड़ा संकट, इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं रविंद्र जडेजा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को पैर की मांसपेशियों की चोट से उबरने में और अधिक समय लग सकता है। जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे हुए मुकाबलों से भी बाहर हो सकते हैं। हैदराबाद में पहले टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में रन आउट होने के दौरान जडेजा की पैर में मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। जडेजा ने पहले टेस्ट में 2 पारियों में 5 विकेट चटकाने के 89 रन भी बनाए थे। हालांकि भारत यह मुकाबला 28 रनों से हार गया था। पैर की मांसपेशियों की चोट से उबरने में आमतौर पर कम से कम 4 हफ्ते का समय लगता है और ये संभावना है कि जडेजा पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। सीरीज का अंतिम टेस्ट 7 से 11 मार्च तक धर्मशाला में खेला जाएगा। बता दें कि दूसरे टेस्ट में केएल राहुल भी नहीं खेल पाएंगे, वो अपनी दाई जांघ में दर्द के कारण मुकाबले से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस बोली, इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल, अभी बातचीत खत्म नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआईएम है, कुल 27 पार्टियां हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम समझते हैं कि बंगाल में भाजपा की 18 सीटों को घटाकर 0 तक लाना ममता बनर्जी की प्राथमिकता है, यही हमारा भी मकसद है। इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल है, हमारी ओर से बातचीत खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रशासन को मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी को बंगाल में बस 2-4 घंटे रहना है, बाद में आपकी जो मर्जी कीजिए, उन्हें कम से कम झारखंड बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए। छात्र और छात्राओं को तंग करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हाई एक्शन प्लान को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करके वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है और इसी कड़ी में राज्य के शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू की जा रही है और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने यहां पर पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक 28 लाख वाहनों को चिन्हित कर स्टिकर लगाए गए हैं और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भवन निर्माण एवं तोड़ने से उठने वाले धुएं के गुब्बार पर काबू पाने के लिए भी कम कार्य कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए बनाई गई नीति के तहत कई कारगर कदम उठाए हैं और इस कार्य में प्रदेश के नागरिकों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, केजरीवाल बोले भाजपा वोट चोर है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कथित गड़बड़ी की आंच अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया जिसके चलते राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर
भाजपा ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मेयर चुनाव में उन्होंने वोटों की चोरी की है। भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है। चंडीगढ़ का मेयर तो बहुत छोटा था, सोचिए ये लोकसभा में किस हद तक जा सकते हैं। कैमरे में गड़बड़ी पकड़ी गई है। हम देश के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता की आवाज़ को जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही बुलंद होगी। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में 36 पार्षद हैं, भाजपा के 15 थे, लेकिन उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता को चुनाव अधिकारी बनाकर चुनाव जीत लिया। भाजपा को सिर्फ 13 वोट पड़े मगर 16 वोट बताकर चुनाव जीत लिया गया। हमें सिर्फ 12 वोट मिले और 8 खारिज कर दिए गए। पिछले कुछ सालों से हम सुना करते थे कि भाजपा चुनाव में गड़बड़ी करती है, ईवीएम में गड़बड़ी करती है, फर्जी वोट डलवाती है। अभी ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया यूसीसी का ड्राफ्ट, जल्दी होगी मंत्रिमंडल में चर्चा। उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित यूसीसी समिति की प्रमुख रंजनाथ प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदे के दस्तावेज सौंपे हैं। यूसीसी पर विधेयक पारित कराने के लिए 5 फरवरी से उत्तराखंड राज्य विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा भी की जाएगी। बता दें कि 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया था। यूसीसी पर अधिनियम बनाना और उसे प्रदेश में लागू कराना 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके भाजपा ने इतिहास रचा था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए इस संकल्प को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के लोकसभा सांसद डीके सुरेश के दक्षिण भारत के लिए अलग देश वाले बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब सफाई दी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि एक तो वह सदस्य नहीं है, दूसरा वह कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगर कहा है तो विशेषाधिकार समिति को भेजें, वो अपना काम करेगी। अगर किसी ने देश को तोड़ने की बात की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी पार्टी का हो। खड़गे ने आगे कहा कि इस देश की एकता रखने के लिए कोई कहे या न कहे, लेकिन मैं कहूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं और एक देश रहेंगे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इसलिए अपनी जान दी है। ऐसी पार्टी कभी देश तोड़ने की बात नहीं करेगी और न ही देश को अलग बनाने की बात करेगी। हम कभी इसे सहन नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज इन्होंने नहीं कही उसे यहाँ दोहराना ठीक नहीं। बता दें कि बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने बजट पर राय देते हुए गुरुवार को कहा था कि केंद्र दक्षिण भारत के राज्यों को पर्याप्त धन जारी नहीं कर रहा है, इससे अलग देश की मांग करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए 22 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसे लेकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। अग्रवाल यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बुलाई गई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राजकीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र की मतदाता सूची का बारीकी से अध्ययन करें और यदि कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल है तो उसकी जानकारी नाम हटवाने के लिए निर्धारित फॉर्म भरें। आपको बता दें कि इसी प्रकार यदि कोई अपना नया नाम सूची में शामिल करना चाहता है तो भी निर्धारित फॉर्म भरें। उन्होंने कहा कि आयोग ने 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, उस पर भी जानकारी दी जा सकती है व प्राप्त की जा सकती है। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी की लॉन्च, रखा तमिझागा वेत्री कड़गम नाम। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। उन्होंने पार्टी का नाम तमिझागा वेत्री कड़गम रखा है। बता दें कि अभिनेता विजय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम को पंजीकृत करने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन कर रहे हैं। जैसा लोग चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य आगामी 2026 विधानसभा चुनाव लड़ना है, जीतना है और मौलिक
राजनीतिक परिवर्तन लाना है। अभिनेता ने कहा कि राजनीति मेरे लिए सिर्फ एक और करियर नहीं है, यह लोगों का एक पवित्र काम है। मैं लंबे समय से इसके लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। राजनीति मेरे लिए कोई शौक नहीं है, यह मेरी गहरी इच्छा है। मैं इसमें खुद को पूरी तरह से शामिल करना चाहता हूं। टीवी के चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें वह अपनी नीतियों को प्रस्तुत करेंगे। विजय थलपति ने कहा कि वह आगामी लोकसभा के चुनाव में नहीं उतरेगी और न ही किसी पार्टी को अपना समर्थन देगी। पार्टी सार्वजनिक बैठक में नीतियों के अलावा पार्टी के सिद्धांत और कार्य उद्देश्य भी जारी करेगी। इसके साथ ही एक ध्वज और पार्टी प्रतीक भी पेश किया जाएगा। ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने बुलाया वाराणसी बंद। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी व्यास जी तहखाना में पूजा की शुरुआत होने के साथ ही ये मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में 31 जनवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। व्यास जी तहखाने के रिसीवर सह DM वाराणसी को आदेश दिया गया कि 7 दिनों के भीतर मंदिर में नियमित पूजा और राग भोग का इंतजाम करें। कोर्ट के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने देर रात को ही मंदिर को खुलवा दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर को खुलवाए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उठा रही है। वहीं मुस्लिम समाज ने इस मामले में बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को वाराणसी बंद बुलाया गया और इसी को देखते हुए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि मुस्लिम समाज की ओर से बुलाए गए बंद को कोर्ट और प्रशासन के फैसले के विरोध में माना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि मुसलमान बहुल इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की ओर से आम लोगों से संयम बरतते हुए जुमे की नमाज की अपील की गई। गूगल मैप में जोड़ रही है जनरेटिव AI फीचर, यात्रा करना अब हो जाएगा और भी ज्यादा आसान। गूगल तेजी से अपने अलग अलग उत्पादों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को जोड़ रही है। कंपनी ने अब गूगल मैप में AI को जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। यह फीचर वर्तमान में शुरुआती चरण में है और कुछ क्षेत्रों में चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध भी है। कंपनी आने वाले हफ्तों में फीचर को धीरे धीरे अन्य यूजर्स के लिए भी रोल आउट करना शुरू करेगी। इस फीचर की मदद से यूजर्स गूगल मैप का और भी बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे। गूगल मैप में मिलने वाला AI फीचर यूजर्स को अपने गृहनगर में नए जगहों को ढूंढने के लिए या देश में किसी भी हिस्से में यात्रा करते समय स्थानीय भाषा का उपयोग करके ऐप से बात करने की अनुमति देता है। कंपनी के लैंग्वेज मॉडल अपने लोकल गाइड प्रोग्राम के हिस्से के रूप में सदस्यों से प्रदान की गई जानकारियों के साथ साथ 25 करोड़ से अधिक स्थानों के बारे में जानकारी का विश्लेषण करेंगे। इस AI फीचर की मदद से यूजर्स मौसम खराब होने की स्थिति में किसी जगह पर पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ते को ढूंढ सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह फीचर यूजर्स को उनके पसंद के आधार पर पहले से बेहतर होटल और रेस्टोरेंट के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में क्रोम ब्राउजर में जेनरेटिव AI फीचर्स जोड़े हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार, कहा हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई उनकी याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को है। JMM के नेता हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है।
राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। आज का सुविचार, इज्जत इंसान की नहीं होती बल्कि जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।